महेश पारीक जुड़ गए इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। निश्चित रूप से महेश, जो मामला सालों से चला आ रहा है, अब एक उम्मीद जगेगी कि कम से कम इस मामले में सजा का जब ऐलान हो, मामले में जो फैसला आए, वो लोगों के जख्म पर कम से कम मरहम का काम जरूर करता हुआ नजर आए, जो जख्म उनको ताउम्र के लिए मिले हैं। क्या कुछ आज के इस फैसले पर नजर, और किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए पतंजलि, जो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश है वो कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। जो 10 से 10:30 तक जो न्यायाधीश रहते हैं वो अपने चैम्बर्स में काम करते हैं, उसके बाद वो डायस पे बैठेंगे, फिर दोनों पक्षों के वकील को बुलाया जाएगा, उसके बाद जो कोर्ट जो है उन पर दोष सिद्ध करेगी, और उसके बाद सजा के बिंदु पे दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील रखेंगे, और उसके बाद कहीं जाके जो है मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जी महेश, जहां तक कोर्ट फैसला सुनाएगी, जो अभी तक इस पूरे मामले की टाइमलाइन रही है, कब कब कैसे कैसे इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई, जो सरकमटेंशियल एविडेंसेस थे उसके आधार पर जांच आगे बढ़ी, कुछ और बातें निकलकर बीच में आई, जैसा हमने देखा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में भी दो लोग मारे गए जो इसी मामले से जुड़े हुए आरोपी थे, अभी भी 3 फरार हैं, तो ये जो पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, मैं चाहूंगा थोड़ा इसको आप ब्रीफली समझाएं, और इस मामले में जो आज फैसला आने वाला है, इसके बाद भी क्या जो फैसला आएगा उसको कोई चुनौती दी जा सकती है, क्या कुछ और कानूनी प्रावधान इस मामले में हो सकते हैं, उसको लेकर एक ब्रीफ। देखिए, बम ब्लास्ट जब हुए थे उसके बाद जो है पुलिस के पास, एटीएस के पास मामला गया था। यहाँ बताना चाहूंगा कि राजस्थान एटीएस जो इसमें मामले में पूरी तरीके से विफल रही है, क्योंकि उनकी ओर से किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई, बस जो है दूसरे राज्यों की पुलिस थी वहां से उनको आरोपियों को टेक ओवर किया गया। 3 आरोपियों को यूपी पुलिस ने पकड़ा, 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, उनसे राजस्थान एटीएस उनको टेक ओवर करके लाई है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान एटीएस ने अपने स्तर पर एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। विशेष न्यायालय गठित होने के बाद 8 मामलों की सुनवाई अलग अलग चली है। यहाँ पे बताना चाहूंगा तकनीकी रूप से जो देरी हुई है वो यही कारण हुई है कि 8 अलग अलग मामलों में अलग अलग सुनवाई हुई है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने स्पेशल न्यायालय का गठन तो कर दिया, लेकिन जो स्पेशल लोक अभियोजक थे और जो न्यायाधीश थे वो कभी डेडिकेट होकर काम नहीं कर सके, क्योंकि उनका भी ट्रांसफर होता रहा। फिलहाल जो वर्तमान न्यायाधीश है वो 7वें न्यायाधीश है जो बम्बई कोर्ट में आज सुनवाई कर रहे हैं, साथ ही साथ जो लोक अभियोजक है वो 4थे लोक अभियोजक है। तो जब जब न्यायाधीश बदले और लोक अभियोजक बदले, तब तब उनको पूरी फाइल दोबारा से पढ़नी पड़े और मुकदमे में जो है टाइम लगा। आज माना जा रहा है कि अगर आरोपियों को, मान लीजिए कि अगर फांसी भी होती है तो भी जो है मामले को हाईकोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि फांसी की सजा को कंफर्म करने का अधिकार हाईकोर्ट को होता है। यदि आरोपी अपील नहीं करते हैं तो भी राज्य सरकार की ओर से मामले को हाईकोर्ट में अपील के जरिए पेश किया जाएगा, वहां पे डेथ रेफरेंस पे सुनवाई होगी, हाईकोर्ट मोहर लगाएगा, उसके बाद कहीं जाके आरोपियों को सजा के होने की संभावना है। वहीं आरोपियों को भी अधिकार है कि वो अपनी सजा के को हाईकोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। जी चलो, बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए